सो सॉरी गाइस, ये वीडियो जो है मैंने दोबारा अपलोड करी है बिकॉज इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और कॉपीराइट भी आ गया था। वो आई थिंक साउंड की वजह से, जो नॉइस मत जो मैंने म्यूज़िक डाला था शायद उसकी वजह से आ गया होगा। तो ये वीडियो मैंने दोबारा अपलोड की है और मेरे यूट्यूब चैनल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मेरी वीडियो जो है लेट आ पाती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और प्लीज़ जो इस वीडियो को मैंने अब डाला हुआ है तो प्लीज़ इसे दोबारा से देखिएगा और इस मेरे को बहुत सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूंगा और मैं आपकी भी सहायता कर सकूँ। जय श्री राधे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री राधे मेरी तरफ से। तो जो ये वीडियो है, आज की जो वीडियो है जो मैंने बनाई है, क्रिएट की है, वो स्पेशल आपके लिए है बिकॉज इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मेकअप किया है और वो भी किया है डबल कट के आई मेकअप। सो ये ग्रीन कलर में है तो आप इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, जो भी नया बंदा मेरे वीडियो को देख रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी जो है क्लासेस चल रही है डेली यमुना बिहार में, तो आपको क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जिसको भी मेकअप अपना करवाना हो, ब्राइडल करवाना हो, तो हम ऑल इंडिया जाते हैं बुकिंग्स के लिए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। तो जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर मैंने अपनी डमी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी आईब्रो क्रिएट की है। सो यू नो ऑल्सो, बिकॉज आईब्रो थी नहीं तो मेरे को क्रिएट करनी ही पड़ेगी। सो आपके हैंड्स में भी आपका ऐसा ही वर्क होना चाहिए। आपकी ड्राइंग इम्पोर्टेंट मैटर भी करती है मेकअप में, आपकी पेंटिंग भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ जो भी आप वर्क करते हो तो प्लीज़ कंजूसी ना करें और अपना मेहनत ज़रूर करें और आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो यहाँ आईब्रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है येलो कलर का आई शेडो। सो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप कभी भी आई मेकअप स्टार्ट करो तो येलो शेड में स्टार्ट करना चाहिए, आई मीन लाइट शेड में, बिकॉज़ आप लाइट शेड से स्टार्ट करते हो तो आपको आई मेकअप जो है बहुत ही अच्छा सा लुक दिखेगा और विद ब्लेंडिंग में दिखेगा, आपकी आईज़ जो है थोड़ी ब्रॉड मतलब बड़ी दिखने लगेंगी। देन इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है, थोड़ा लाइट शेड में ग्रीन कलर आपको साइड में पैलेट में आई थिंक दिख रहा होगा, तो मैंने वही शेड लिया है। उसको अच्छे से स्मॉल ब्रश से मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। सो ब्लेंडिंग की मैंने आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, तो ब्लेंडिंग टू वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके बाद मैंने डार्क वाला आई शेडो ग्रीन शेड लिया है, डार्क ग्रीन शेड। मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया हम ब्राइडल्स की बुकिंग्स भी लेते हैं, तो आप मेरे को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं दिल्ली में, तो आप उसके लिए भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और रही ऑनलाइन की, अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, सो ऑनलाइन होता है तो मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। तो ऑल इंडिया हम ऑलरेडी बुकिंग्स के लिए जाते हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ब्राइडल्स के लिए। तो यहाँ बातों के साथ साथ तो मैंने अपना आई मेकअप भी ब्लेंड कर दिया है और मैंने डार्क शेड ये लाइट शेड लिया अगेन टचअप, जो मैं बोलता हूँ कि हर बार आपको टचअप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन, यहाँ पे मैंने कोई शेड ग्रीन नहीं ग्रीन नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है। डार्क ब्राउन शेड करने से ही आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका एक इफ़ेक्ट अलग ही हो गया है। सो धीरे धीरे मैं इसको टचअप के साथ साथ इस वर्क को आगे की तरफ कर रहा हूँ। देन इसके बाद जो इसके साथ ऑयल आया था, मैंने क्यूटिप में उस ऑयल को लेकर के अपना जो क्रीज कट करना था मैंने वो किया है। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट इसलिए कर दिए ताकि आपको समझ में आए और आप बोर ना हो जाओ, सो डोंट माइंड। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक नहीं दो बार नहीं तीन बार आप ज़रूर देखिएगा। और आई होप आप लोगों को अच्छी भी लगती होंगी मेरी वीडियो और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरों की भी थोड़ी सी हेल्प होएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनको भी समझ में आएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में वर्क किया था मतलब क्रीज पे जो स्टार्टिंग में वर्क किया था
वही शेड्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका लाइनर एरिया होता है वहीं पर। बहुत सिंपल मेकअप है आई मेकअप, डिफ़िकल्ट नहीं है और देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कितना मतलब मेहनत वाला है, लेकिन बिल्कुल भी मेहनत वाला नहीं है, आप यकीन मानना। बहुत ही, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब किया तो बहुत जल्दी हो जाता है ये लुक, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेहनत की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लेंडिंग की, तो आप ब्लेंडिंग का विशेष ज़्यादा ध्यान रखें। और डार्क जो शेड है मैंने लोअर लैशेस की पे भी दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राधे, और जैसा भी होता है आप मेरे को प्लीज़ बताइएगा, और लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे पता लग जाएगा कि किस नए लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। इसके बाद कर रहा हूँ मैं लाइनर एप्लीकेशन, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी ब्रांड का आप लाइनर दे सकते हो, बट आपकी यहाँ पे डमी इसलिए होती है, तो इस डमी हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी आपके अंदर छुपे हुए क्रिएटिव वाली चीज़ें हैं ना, आप इस डमी पे कर सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी मॉडल पे करोगे तो मॉडल आपको धमका देगी कि मेरे को क्या भूत बना देता है ना, तो आप इस पे कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, लेकिन बिगनर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और जिनको आता होगा ऑलरेडी मेकअप तो उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बिगनर के लिए लिटिल बिट ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर हमने लाइनर, लिक्विड लाइनर लगा दिया है, और थैंक यू सो मच टू ऑल, आप मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, और धीरे धीरे मेरा जो है 1 लाख सब्सक्राइब भी होने वाले हैं, वो भी आप लोगों की सपोर्ट से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देन इसके बाद आप लोअर लैशेज़ पे मैंने वही स्मॉल ब्रश से ब्लेंडिंग करी है। देन इसके बाद मैं कर रहा हूँ लाइनर से ही आईब्रो क्रिएट, लाइक हमने आई शेडो जो दिया था वो मिड वाला दिया था, कोई डार्क नहीं। कभी भी आप आईब्रो फिल करो तो ना आपको ब्लैक लेना है और ना ज़्यादा लाइट ब्राउन लेना है, आपको डार्क ब्राउन ज़्यादा भी नहीं लेना है, मीडियम वाला ब्राउन शेड लेना है, और वहीं फिल करना है जहाँ आपको नीट लग रही है। तो आप देख सकते हो थोड़ा रियल इफेक्ट भी आने लग गया है आईब्रोज़ में। इसमें बस खाली आप लिक्विड थोड़ा कम लो और उसे क्रिएट करो तो जल्दी ही हो जाता है। तो मैंने दोनों साइड मतलब क्रिएट कर ली है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ ब्रोबोन हाइलाइटिंग, देन इसके बाद में जो क्रीज आपको दिख रही है तो वहाँ पे मैंने 2 वे जेल अप्लाई किया है, मेकअप स्टूडियो का है, सो बहुत ही अच्छा है ये 2 वे जेल मेकअप स्टूडियो का। देन इसके बाद मैंने PAC का डायमंड शाइन पाउडर, जी हाँ इसका नाम है डायमंड शाइन पाउडर। अगर आप पैक के स्टोर पे जाके बोलोगे कि मेरे को डायमंड शाइन पाउडर चाहिए तो वो आपको ये निकाल के देगा, बिकॉज डायमंड शाइन पाउडर इसलिए रखा गया क्योंकि ये इतना शाइनी है, बहुत हल्का सा टच करते इसमें इतना शाइनी है, बहुत प्यारा है आपका वर्क, ये बहुत ज़्यादा और ऑसम करके दिखाता है। और गाइज अगर आप हो सके तो आप मेरे को जल्द से जल्द इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए ताकि मैं वहाँ पे लाइव आके आपको मेकअप भी सिखा सकूं। और जो भी आप मेकअप करते हो प्लीज़ मेरे को टैग जरूर कीजिएगा, और जिसका मेकअप मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं उसकी मेकअप की जो है स्टोरी में अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, उसकी स्टोरी में ज़रूर लगाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नोज़ कंटूरिंग कर दी, मुझे अच्छा लगा था, मतलब आपको जो मेकअप करना है मेकअप करते करते बोर नहीं होना, आपको खेलते खेलते मेकअप करना है, मज़े मज़े से मेकअप करना है, मतलब
आनंद में होते तो हूँ आपका वर्क बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं। आप अगर सैड मूड से करोगे तो बिल्कुल भी मत करना ऐसा। और ये कभी मत सोचो यार इन्होंने अच्छा किया है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने आपको भी हाथ दिए हैं और हमें भी हाथ दिए हैं, तो आप भी कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप कितना रेगुलरली इसमें प्रैक्टिस कितना टाइम दे रहे हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप भाई टाइम नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है, भगवान को भी, पेरेंट्स को भी और अपने वर्क को भी। अगर आप किसी को टाइम नहीं दोगे तो आपका कोई फीलिंग समझेगा नहीं, इवन आपका वर्क। देखो इंसान तो दूर की बात, आपका वर्क भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अपने वर्क को भी टाइम दो। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारा मेकअप हो चुका है डन। आई होप लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ऑल्सो। तो जैसा भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जय श्री राधे।